खींच ले। और मम्मी ये देखो हो रहा है हमारा डिनर। ये मैं आधी रोटी सैलेड बाकी। और ये कौन है? ये पुष्कर की दीदी है, पुष्कर के बड़े पापा। अनामिका दीदी। सुबह मैंने अनामिका जब आई थी ना तो ये शर्मा रही थी पानी देने भी। मैंने कहा अभी कुछ घंटे रुको फिर देखना चिपकी रहेगी। और अब देखो तो गाइस खाने मेरे जो बड़े पापा नहीं है उनकी ये बेटी है। मुझे मुझे कहती मैं दीदी के साथ ही खाऊंगी बुआ, मेरा और दीदी का थोड़ी देर में निकाल देना है। पहले बड़ी शर्मा रही थी। कोई नहीं खा लो, दीदी को चावल भी बोलो, दीदी चावल भी खा लो। पुष्कर कितने साल का? 9 साल का बच्चा है, देखो जरा इसकी हरकतें। वाह वाह क्या वीडियो है। चलो मेरा पानी का ये बड़े वाले ग्लास में आपका ही पानी है, ठीक है? मैं बॉटल से पी लूंगी अपनी, मेरी वाटर बॉटल। अब हम खाएंगे घुगनी बूढ़ी। क्या खाएंगे काकी? आए हैं सेक्टर 19 कुछ सामान लेने, मुझे ही लेना है वैसे तो बेसिकली। देखते हैं जो लेने आई हूँ मिलेगा कि नहीं। लेट्स गो। जीन ले लिया मैंने एक अपने लिए और अभी चलते हैं आगे। और भी कुछ कुछ लूँगी आगे। आइसक्रीम पुष्कर ब्लॉग में तो देख ही लेगा पर वो कल पर तो देखेगा। और मैंने बनाया लेमन सोडा, जहाँ मेरा लेमन सोडा इसमें मसाला डला हुआ है। और ये रहे दोनों पुत्र की शक्ल देखो, ओह कैसे एंजॉय कर रही है आंखें बंद करके। और ये रही मैं और यहाँ हम तीनों कर रहे हैं पार्टी। तो हाँ मैंने मतलब हम गर्मी में हमारा कुछ भी ऐसा खाने का मन नहीं था, छोले भटूरे वगैरह, तो हमने यही ले लिया। तो ये रही मार्केट, पूरी पूरी मार्केट जो है बड़ी बड़ी है, खचाखच। पता नहीं अभी कौन सी शादियाँ आ रही हैं या त्यौहार आ रहे हैं, तो इतना भीड़ है सुबह सुबह, इतनी भीड़ है। और आज तो संडे भी नहीं है फिर भी। कटवानी पड़ेगी नीचे से थोड़ी सी कट, यही ठीक है। और बाकी ये दो सो आज का व्लॉग भी वैसे मैं ऑफिशियली शुरू नहीं कर पाई, तो जो भी है सॉरी फॉर दैट। एंड अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मेरे बाल हो सकता है राक्षस जैसे, लेट ही थी थोड़ी देर। तो मैं 2 बजे के आसपास वहाँ से आई थी, ट्राई किए कपड़े कपड़े जो भी है, और ज़्यादा कुछ खरीदा नहीं। जितना मैं सोच के गई थी ये भी खरीदूंगी वो भी खरीदूंगी, कुछ नहीं लिया। बस 2 बॉटम वेयर लिए और एक पर्स ले लिया, हैंड बैग टाइप स्लिंग बैग ही है वैसे तो, स्लिंग उसमें है नहीं तो वो ले लिया। और 2 एक जीन लिया और एक ऐसे ट्राउज़र ले लिया, क्योंकि मेरे पास उसकी वो भी थी अभी ना, लेटेस्ट ट्रेंड भी वो है। और यार गर्मी में ना मेरे से जीन्स पहनी ही नहीं जाती, क्योंकि जो मेरी जीन है उनका कपड़ा ना थोड़ा मतलब मोटा तो नहीं कहेंगे पर थोड़ा होता है, मतलब नॉर्मल आप एक कॉटन का पजामा, अब नाइट सूट की आदत है तो जीन में ना थोड़ा ऐसे लगता है कितना मोटा है ये वो, वैसे इतना नहीं होता। तो अभी मैं दूसरी जीन लेकर आई हूँ। और वैसे मेरे पास वेस्टर्न कपड़े कम हो गए थे, पहले मैंने सोचा था आदित्य के साथ जाने का, तो जहाँ का हम सोच रहे थे वो प्लान कैंसिल हो गया। तो मैंने कहा मैं कपड़े तो खरीद लूँ यार, क्योंकि
मैं ना घूम फिर के वही दो चार, ऐसा नहीं कपड़े हैं अगेन, कपड़े बहुत है, पर वही है कि पता नहीं मुझे लगता नहीं मेरे अंदर ही है या सबके अंदर है। मैंने बहुत लोगों को नोटिस किया कि कितने भी कपड़े हो जाए हमारे पास, घूम फिर के ना वही चार कपड़ों पे ही हाथ जाना है। जैसे कभी भी जाना होगा कि ये पहन लूंगी, फिर वो पहनने के टाइम में नहीं यार ये ठीक नहीं लग रहा, ये भी ठीक नहीं लग रहा, फिर वही जो टी शर्ट या जो भी नॉर्मल पहनते रहते हैं रोज वही घूम फिर के पहन लेते हैं। तो इसलिए मैंने कहा चल फिर भी खरीद लेते हैं। और अभी टॉप वगैरह नहीं खरीदा, वो मैं ऑनलाइन मंगा लूँगी या देख लूँगी जैसे भी करना है। तो आई फिर मैं 2 बजे के आसपास हम लोग आए थे और बहुत थकान हो गई थी क्योंकि 2-3 घंटे से कंटिन्यू चल रहे थे। तो मैंने कहा थोड़ी देर खा के मैं आराम कर लेती हूँ, फिर मैंने खाना भी नहीं खाया। तो थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद मैं उठी, पढ़ाई वढ़ाई की और अभी मैं फ्री हुई हूँ। और अनामिका तो चली गई है क्योंकि उसके कल प्रैक्टिकल हैं। एक्चुअली उसके ग्रुप में, स्कूल का जो ग्रुप है उसमें मैसेज आ गया था कि कल प्रैक्टिकल होगा। तो यार वही है बच्चों का, पढ़ाई के साथ तो कोई वो नहीं है, तो इसलिए वो चली गई। क्योंकि अब वो ड्रेस तो यूनिफॉर्म लाई थी, हमारे घर से थोड़ी दूरी है उसका स्कूल, लेकिन बाकी प्रैक्टिकल फाइल और वो मेडिकल स्टूडेंट है तो वो उनका कोट सा जो होता है व्हाटएवर वो वाइट कलर का, तो उसकी भी ज़रूरत थी प्रैक्टिकल में, तो सप्लाई नहीं थी तो इसलिए उसे जाना पड़ा। पापा ने छोड़ दिया था, मतलब पापा उसको छोड़ देंगे घर पर। और तो घर में शांति थी, मैंने कहा अब मैं पढ़ लेती हूँ नहीं तो फिर बाद में चिल्लर पार्टी तो पढ़ा ही देंगे मुझे। और पढ़ते पढ़ते फिर मैंने खाना भी नहीं खाया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। और बेसिकली मैंने कुलचे खा लिया था, तो कुलचा खाने के बाद ना यार पेट थोड़ा भरा भरा लगा था, मैं कहती हूँ छोड़ कोई बात नहीं। तो अब लग रही है भूख, अब मैं यही सोच रही हूँ कि 5:30 हो रहे, आई थिंक 5:45 हो रहे, मैंने थोड़ी देर पहले टाइम देखा था तो 5 बज चुके थे। तो वही मैं सोच रही हूँ कि अभी चावल खाऊंगी यार तो एकदम ऐसे हो जाएगा, कितना मतलब अजीब सा नहीं हो जाता कई बार, क्योंकि इतनी भूख नहीं लगी पर भूख लगी है मुझे पता है। तो मैं सोच रही हूँ कि फिर चाय पी लूँ, चाय के साथ बिस्किट विस्किट नमकीन वमकीन खा लूँ, पर वो सब मेरे को जमता नहीं है। तो मैं वही सोच रही हूँ कि थोड़े से ही चावल खा लूँगी, चाहे थोड़े ही खाऊँ कटोरी में लेके, फिर खा लूँगी चावल, खा लूँगी चाय पी लूँगी और बस। बाकी इसके बाद फिर थोड़ा देखूँगी, एक आधा घंटा पढ़ लूँगी, क्योंकि मेरा वही है यार, मेरा दिल मतलब ऐसे भी कोई ऐसा कोई खास काम तो मेरे पास है नहीं और कुछ करूँ, तो मैं पढ़ ही लेती हूँ। पढ़ने से मन भी लगा रहता है और मतलब ठीक रहता है यार, अपने काम पे बंदा फोकस है, कोई आलतू फालतू इधर उधर का वो नहीं है। और बड़े दिन हो गए मैं मंदिर नहीं गई, मुझे ना बड़ा वो लगता है बुरा सा, लेकिन हम जा नहीं सकते क्योंकि हमारे उसमें वो लगा हुआ है, छुटका लगा हुआ है, तो इस वजह से नहीं जाते। तो मेरा बड़ा दिल करता है, मैं कल परसों भी अनू के साथ जब गई थी मंदिर के सामने से ही गई, और मैंने कहा यार मेरा बड़ा मन कर रहा है ठाकुर जी को देखने का, पर उसने कहा हाँ चली, मैं कह यार ऐसे ऐसे बात है, कह रही कोई बात नहीं। तो मैंने बाहर से ऐसे माथा टेक लिया था, जाऊंगी बहुत जल्दी। ऐसे ना मंदिर वगैरह पूजा पाठ या कुछ ऐसा करना चाहिए, इससे मन थोड़ा वो रहता है आपका, शांत रहता है और अच्छा है, मेरे को अच्छा लगता है, तो मैं मतलब ठीक है मेरी। एंड तो चलो फिर बना लेते हैं चाय वाय या जो भी होगा, तो चाय तो मैं बना रही हूँ कुछ और उसके साथ खाना भी खा लूँ। 1 मिनट, अब मुझे पोएम कौन सुनाएगा? 1, 2, 3 नहीं नहीं पोएम पोएम जॉली जॉली वाली, ये चप्पल पकड़ने की कोई जरूरत नहीं, आराम से आराम से। अब सैम्पल सुनाएगी? हाँ सुनाओ। पनीर और ये चावल घर पे फ्राई किए, थोड़े लिया पे और मैं काफी खाने साथ। हाय गुड मॉर्निंग, सो सुबह हो चुकी है और मैं नहा ली हूँ और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है हल्की फुल्की। पहले मैंने सोचा था बारिश में नहाऊंगी लेकिन नहीं नहा पाई ड्यू टू सम रीज़न, फिर मैं नॉर्मल पानी से नहा ली। और चलो फिर देखते हैं आज सारा दिन क्या करना है। ये रही हमारी सब्जियाँ, ज़्यादा सब्जियाँ नहीं है, मटर, थोड़े से काजू और डलता क्या क्या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा कि पहले मैं काजू डालूँ या पहले क्या डालूँ। तो मेरा
मैं देखी नहीं आपको। मैं दिख गई थी भैया, तो फिर भी ऑटो में आया था भैया को तो घूम तक नहीं लगी, मैं पूरी गिल्ली हो गई थी। फिर से आ जाए बारिश में तो ना आऊंगा भैया, तो अच्छी हरी भाई को दौड़ाते हुए आया था घोड़े की थी। बाय गोभी। मौसम तो हो गया वैसे ही। बोलो आप, बोलो अभी ऑन नहीं है। क्या बोलूं? फिर भी क्या बोला। सो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 5 बज रहे हैं काकी, और हम दोनों बैठे हैं लूडो खेल के। कंबल में मैं आ गई फर्स्ट, और मैं आया हूँ गाइस मेरी तरफ कैमरा तो कर लो जी। गाइस मैं आ गया हूँ सेकंड, और ये आया लास्ट। हाँ तो आज मैं लास्ट आई हूँ, और इसीलिए दोनों बहुत खुश हैं। और पुष्कर का उछलना देखते जरा, और बारिश भी हुई है आज, तो मौसम है ठंडा, इसलिए हम ब्लैंकेट लेके आराम से बैठे हुए हैं। चाय वाय पी ली गई है, पढ़ाई लिखाई कर ली गई है, और अभी बस चिल करेंगे, उसके बाद देखते हैं शाम को क्या। ठीक है क्या? ठीक है क्या? सब कुछ ठीक है? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है, फिर बाय कर दो। आप कर दो मेरी तरफ से बाय। बीबी का आप चलाते हो क्या है? मुझे भी दिखाओ तृप्ति को। क्या सिस्टर सिस्टर वो देखो मोबाइल क्या है? आपको आती है चलाना? ये बच्ची हमारे घर पता है काकी एक बार पहले भी आई थी, क्यूट है, और उसने मेरा ब्लूटूथ वाले हेडफोन भी तोड़ दिए थे। वो घुल मिल जाती है हमारे घर पर, सारे घुल मिल जाते हैं, जो भी आएगा ना बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाता है, फील्स लाइक होम, क्योंकि हम कुछ बोलते नहीं हमारे घर में। हमारे घर पे बच्चे पता है चप्पल ले लेके बेड पे चढ़ जाते, बट हम मतलब कि सबके बच्चों को अपने बच्चों की तरह करते। हाँ जी बोलो। क्या अरे बाप रे, ये अपनी दादी का सीख लुआ का? दो मुझे दे दो, थैंक यू। ये तो पीटे हम मोहित, थैंक यू थैंक यू। बस हो गया हो गया, थैंक यू। अगर कोई मेरे ब्लॉग देखता है तो वो शायद इस बच्ची को पहचान ले, ये पहले भी हमारे घर आई है अपनी मम्मी नाना नानी के साथ, अभी भी उसकी मम्मी नाना नानी आए हुए हैं। और चलो बाकी के काम कर लेते हैं। और ये मैंने कुछ सामान खरीदा था इसमें, वैसे तो मेरे मेकअप वेकअप का ही सामान, मेकअप नहीं मतलब कुछ काम की चीज़ें। काम क्या है? आपका नाम क्या है? थैंक यू। देखो क्या देखते? ये कौन है बाबू? ये कौन है? ये कौन है बताओ? कौन है सिस्टर? दिखाओ। देखो 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 ये गुस्सा कर रही है क्या? पहले चप्पल दो बाबू, ये चप्पल खोल दो बेटा, खोल दो। कितनी खुशी हो रही है ये बहन, इसने पिछली बार भी मेरा ब्लूटूथ तोड़ दिया था, फटाफट गायब कर दू। इसने पिछली बार मेरे हेडफोन्स तोड़ दिए थे, वो भी वो बड़े बड़े वाले कान में लगाने वाले। हाँ वो वाले वायर वाले है ना? हाँ वो ऐसे मोटे वाले, इसीलिए मैं पहली मैंने भी देखा था, आधा हिस्सा हवा में उड़ गया था, आधा हिस्सा नीचे रह गया। रख दो। वेरी गुड। Oh,
मेरी शक्ल नहीं पसंद आई क्या मैं पिछले और मम्मी पिछले 20 मिनट से मेरे बालों पे चढ़ के ये कर रही क्या हुआ मेरे पास नहीं है मुझे नहीं आता मामू डांस सिखाए तेल लगा रही तुम्हारे बालों में न्यूजीलैंड न्यू ऑरलैंड एक और बारी पढ़ इसकी बाय कर दो वो नहीं है ये वाली आज मैं बना आज आराम से पहले वाला पैर डालो हाँ वेरी गुड सो अभी बज रहे हैं 9 और मेरे कमरे की हालत बहुत ख़राब हो रखी है इसे मुझे पूरा झाड़ना है बेडशीट वगैरह सब कुछ झाड़ झूड़ के तब सोने लायक होगा ये रूम और अभी आज जो मौसम है काफ़ी ठंडा है मतलब ऐसे फ़ैन भी नहीं चलाया हुआ मैंने और आराम से बैठे हैं हम सब क्योंकि बारिश हुई है तो ऑब्वियसली ठंड हो गई है थोड़ी सी तो हाँ और पढ़ाई वगैरह आज तो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हुई पर होगी थोड़ी बहुत मैं कर लेती हूँ सो अभी का व्लॉग आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं एंड अब मैं मिलूंगी आपसे कल तो तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड बाय बाय टेक केयर